दोस्तों, जब भी क्रिकेट जगत के सबसे तेज गेंदबाजों की बात की जाती है तो हमारे जहन में शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शॉन टेट, मालकम मार्शल, माइकल होल्डिंग जैसे महान गेंदबाजों के नाम आते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसे महान किवी खिलाड़ी सर रिचर्ड हेडली का उत्तराधिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत इतनी थी कि उस समय की कंगारू टीम भी उसे अपना काल मानती थी। ये और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड है, जो अपने बेहद सुंदर एवं सरल एक्शन से निरंतर 150-155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सटीक लाइन और लेंथ पर लहराती हुई गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज के हौसले पस्त करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्हें इतनी तेज रफ्तार पर भी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में महारत हासिल थी, इसलिए उन्हें रफ्तार का सौदागर भी कहा जाता है। शायद ही कोई क्रिकेट फैन होगा जिसने अपने बचपन में बॉन्ड के एक्शन की नकल न की हो। हालांकि चोट के कारण उनका करियर इतना लंबा नहीं चला, जिसके चलते वह ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले न खेल सके। बावजूद इसके अपने छोटे करियर में ही उन्होंने ऐसे कई कारनामे कर डाले जो वाकई आज भी काफी यादगार हैं। तो आइए, आज नारद टीवी की इस खास पेशकश नाइटमेयर्स फॉर बैट्समैन में हम आपको शेन बॉन्ड के जीवन और उनके करियर से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। 7 जून साल 1975 को क्राइस्टचर्च में जन्मे बॉन्ड का पूरा नाम शेन एडवर्ड बॉन्ड है। फैंस इन्हें प्यार से जेम्स बॉन्ड और बॉन्डी भी कहते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम पपनुई हाई स्कूल से पूरी की थी। बॉन्ड को बचपन से ही खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। उन्होंने बचपन से ही अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की। पहले वह फुटबॉल खेला करते थे। आगे जाकर 6 फुट 1 इंच लंबी कदकाठी वाले बॉन्ड की रुचि क्रिकेट में काफी बढ़ गई और उन्होंने क्रिकेट खेलने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्हें साल 1995 में एक अंडर 19 टेस्ट मुकाबले में मौका मिला, जहां उन्होंने केवल 5 ओवर गेंदबाजी की परंतु एक भी रन नहीं दिया और बल्लेबाजी में 45 रन बनाए। इसके बाद साल 1997 में उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट सफर शुरू हुआ, जब उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में कैंटरबरी की टीम से खेलते हुए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि उनके पहले 3 सीजन कुछ खास नहीं रहे, उन्हें केवल 12 मैच खेलने का मौका मिला जिससे वह ज्यादा विकेट नहीं ले सके। फिर साल 1999 में परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने न्यूजीलैंड पुलिस में जाने का फैसला कर लिया। इस दौरान बॉन्ड ने 1 साल तक बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेला। बॉन्ड क्रिकेट छोड़ ही चुके थे परंतु क्रिकेट न खेल पाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिरकार 2001 में उन्होंने वापस क्रिकेट में अपना करियर बनाने का मन बना लिया। लगन इतनी थी इसके लिए उन्होंने अपने पुलिस की नौकरी तक छोड़ दी। उन्होंने दोबारा घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहां उनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही हो रहा था। इसी साल जब उन्होंने न्यूजीलैंड अकादमी की ओर से खेलते हुए एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया अकादमी के खिलाफ, तो उनका नाम पहली बार न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम में आया और उनका चयन ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टेस्ट श्रृंखला में हुआ। उनका पदार्पण दूसरे टेस्ट में हुवार्ड के मैदान पर 22 नवंबर 2001 को हुआ। हालांकि बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में उन्हें केवल 1 विकेट मिला, जो था पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का। इस अगले मुकाबले में उन्हें 2 विकेट मिले, वो मुकाबला भी ड्रॉ रहा। इसके कुछ ही समय बाद उनका चयन 2001-2002 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए हुआ। इस श्रृंखला में शेन बॉन्ड ने अपनी घातक गेंदबाजी से जमकर कहर बरपाया। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण करते हुए बॉन्ड ने अपनी काबिलियत का नमूना तब पेश किया जब बॉन्ड ने सिर्फ 53 रन देकर मार्क वा, रिकी पॉन्टिंग और माइकल वेवन जैसे महान बल्लेबाजों के विकेट चटकाए और न्यूजीलैंड को जीत दिलाई। इस श्रृंखला में बॉन्ड ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पीछे ही पड़ गए और एक मुकाबले के दौरान बॉन्ड 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी बने। वे अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 21 विकेट लेकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। हालांकि वो अपनी टीम को फाइनल में जीत तो न दिला सके, परंतु उनकी धारदार गेंदबाजी के सब कायल हो गए। अब सभी क्रिकेट पंडितों का मानना ये था कि क्रिकेट जगत को उसका सबसे तेज और सटीक गेंदबाज मिल गया है जो आने वाले समय में कई रिकॉर्ड बनाएगा। उस वक्त शोएब अख्तर और ब्रेट ली अपने करियर के सुनहरे दौर में थे और काफी तेज गति से गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि वो शेन बॉन्ड ही थे जिन्होंने सबसे पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। रिकॉर्ड उन्होंने 2001-2 की त्रिकोणीय श्रृंखला में बनाया था। बॉन्ड के पास गति तो थी ही, परंतु इसके अलावा उनके पास गजब का नियंत्रण था। वे गेंद को एक सटीक टप्पे पर डालने में माहिर थे, जो किसी भी तेज गेंदबाज को सफल बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। यही नहीं, उनके पास एक ऐसा हथियार भी था जो उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से घातक बनाती थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्विंगिंग यॉर्कर को किसी भी बल्लेबाज को खेलने में सबसे ज्यादा समस्या होती है। उनकी स्विंगिंग यॉर्कर की कोई सानी न थी, उनमें महान गेंदबाज बनने के सारे गुण थे।
परंतु ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा चोटें थी। ये उनके करियर के साथ ही शुरू हुई और बस बढ़ती ही गई। उनकी वजह से बॉन्ड मुश्किल से ही किसी श्रृंखला के सभी मुकाबले खेल पाते थे। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब 2001-02 की श्रृंखला के बाद उनके पांव में चोट लग गई। हालांकि बाद में वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में उनकी वापसी हुई। बॉन्ड ने उस श्रृंखला में मात्र 2 मुकाबलों में सर्वाधिक 12 विकेट लेकर एक बार फिर प्रभावित किया और किसी टीम को पहली बार कैरिबियन दौरे पर जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। इसके बाद आया साल 2003 का विश्व कप। ये बॉन्ड का पहला विश्व कप था। इस विश्व कप में वे सबसे सफल एवं किफायती कीवी गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने पहले श्रीलंका के खिलाफ 2, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1, बांग्लादेश के खिलाफ 3, कनाडा के खिलाफ 3 और अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में उन्होंने केवल 23 रन देकर 6 विकेट झटक कर 208 रनों पर स्कोर को रोक दिया। हालांकि जवाब में न्यूजीलैंड केवल 112 रनों पर सिमट गई, परंतु बावजूद इसके बॉन्ड मैन ऑफ द मैच बने। यह उस समय किसी भी किवी खिलाड़ी द्वारा एक दिवसीय मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके बाद सुपर सिक्स के अगले चरण यानी सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उस वक्त देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के चलते सुरक्षा के डर से केन्या के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, जिससे केन्या सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाला पहला नॉन टेस्ट प्लेइंग देश बना। इसलिए भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उन्हें हर हाल में जीत की जरूरत थी। भारत के खिलाफ की भी टीम मात्र 146 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में बॉन्ड ने एक अच्छी चुनौती पेश करते हुए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और कप्तान गांगुली को सस्ते में पवेलियन भेजा। खासकर कप्तान सौरव गांगुली को 153 किलोमीटर प्रति घंटे की बुलेट से लहराती यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को कायम रखा। बॉन्ड ने इस मैच में अपनी पूरी जान झोंक दी और अपने करियर की सबसे तेज 156.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद डाली। हालांकि शुरुआती 3 झटकों से उभर कर राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ ने भारत की जीत सुनिश्चित की। हालांकि इस हार के साथ ही न्यूजीलैंड टीम का सफर खत्म हुआ, परंतु शेन बॉन्ड ने सबके दिल जीत लिए। इसके बाद तो मानो बॉन्ड के करियर पर कोई ग्रहण लग गया। विश्व कप के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकाबले में बॉन्ड की पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर आया, जिसके चलते उन्हें 4 महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़े दुख की बात शायद ही कोई हो सकती है कि जब उसका फॉर्म चोटी पर हो तभी उसे चोट लग जाए। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखने के लिए टाइटेनियम रॉड डलवाने का फैसला किया ताकि आगे उन्हें चोट की समस्या न हो, परंतु ये केवल कुछ ही समय तक कारगर रहा। इसके बाद अगस्त 2005 में लगभग 2 साल बाद बॉन्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। इस दौरान बॉन्ड को अपने एक्शन में थोड़ा बदलाव भी करना पड़ा, जो कि पहले जैसा ही घातक था। बॉन्ड की चोट जितनी दर्दनाक होती थी उनकी वापसी उतनी ही जोरदार। ये साबित करते हुए उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में पहली बार 10 विकेट लिए और वापसी के बाद मात्र दूसरे ही एक दिवसीय मुकाबले में भारत के खिलाफ में 215 रनों का बचाव करते हुए मात्र 19 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे भारतीय टीम की कमर टूट गई और किवी टीम 51 रन से मुकाबला जीत गई। बॉन्ड इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि चाहे कोई भी चोट हो कि हौसलों को पस्त नहीं कर सकती है। इसके बाद अगले साल उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर एक हारे हुए मैच को 27 रनों की जीत में तब्दील किया। इस स्पेल के दौरान उन्होंने ब्रायन लारा को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था। बॉन्ड इसे भी आज भी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मानते हैं, परंतु इसके तुरंत बाद अप्रैल 2006 में बॉन्ड का घुटना चोटिल हो गया, जिसके चलते वह कुछ समय तक बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल सके। इसके बाद बॉन्ड ने वापसी करते हुए 14 जनवरी 2007 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबलों में कैमरून व्हाइट, एंड्रू साइमंड्स एवं नॉथन ब्रैकन को आउट कर हैट्रिक ली। वे हैट्रिक लेने वाले दूसरे किवी खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में उस वक्त दूसरे स्थान पर हालांकि सबसे तेज चौथे स्थान पर 100 विकेट पूरे किए। उनसे आगे केवल पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज सकलन मुश्ताक हैं। हालांकि 100 सफलता पूर्ण करने के लिए उन्होंने सबसे कम गेंदें डाली। इसके बाद उन्होंने चैपल हेडले ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी में 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की 10 विकेट से जीत सुनिश्चित की। यही नहीं, 16 मई 2007 में बॉन्ड को 2006-07 सत्र के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। उनका नाम बेस्ट परफॉर्मिंग टेस्ट में भी आया, परंतु इसके बाद शेन बॉन्ड के करियर में 18 महीने का खालीपन तब आया जब वह विवादित इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल में दिल्ली जायंट्स की टीम से खेले। इससे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया। यह वो समय था जब बॉन्ड का करियर जोखिम में था। इसके बाद जून 2009 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग से मुंह मोड़ लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए अपनी उपलब्धि स्पष्ट की। आखिरकार उन्होंने सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ वापसी की। इसके बाद उनका चयन टेस्ट टीम में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत में भी अहम भूमिका निभाते हुए 8 विकेट लिए और 22 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। हालांकि ये उनका अंतिम टेस्ट साबित हुआ जब उन्होंने पेट में चोट के कारण दिसंबर में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। इसके बाद 2010 आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शेन बॉन्ड को $750,000 में अपनी टीम में शामिल किया, परंतु बढ़ती चोटों की वजह से 13 मई 2010 को शेन बॉन्ड ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की
घोषणा की और आईपीएल के चौथे संस्करण में न खेलने का फैसला किया। शायद अपने 9 साल के लंबे करियर में शेन बॉन्ड के नसीब में मात्र 18 टेस्ट, 82 एक दिवसीय और 20 टी20 खेलना ही लिखा था, जिसमें उन्होंने क्रमशः 87, 147 और 125 विकेट लिए। उनका टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाज स्ट्राइक रेट 38.7 का है। इसके बाद 2012 में उन्हें न्यूजीलैंड टीम का कोच नियुक्त किया गया, परंतु 2015 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड की हार के बाद अपने कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम के कोच हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस नायाब हीरे शेन बॉन्ड की, जिसे क्रिकेट की हर बुलंदियों को छूने का पूरा हक था, जो शायद आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज होता। उनके करियर में चोटें एक श्राप की तरह थी, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी गति और गेंदबाजी से समझौता नहीं किया। उनके जिंदा दिली और करियर से हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।